Assalamu alaikum everyone. My name is Sobia. And I'm Shafar. You are listening to the 32nd episode of E-Panorama only on Web Studio TV. Well, to start off with, we got some good news on Zong. Zong is bringing branchless banking to Pakistan. Shafak, why don't you brief us on that? ये जो branchless banking शुरू करने वाले हैं, ये initiative उन्होंने लिया है with partnership उनके उन्होंने की है Askri Bank के साथ, और इनको बस अब एक approval की ज़रूरत है from State Bank of Pakistan. तो इनकी जो ये जो ऑफर है दैट इज वेरी सिमिलर टू इजी पैसा ऑफ टेलीनॉर. एक नई से नई चीज इनोवेशन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है. True. तो मुझे लगता है कि पीटीए सपोर्ट जरूर करेगा. विद दैट वी लॉग ऑन टू पाकिस्तान पोस्ट इंट्रोड्यूसिंग ईएमओ सर्विस. व्हाट इज दिस ईएमओ सर्विस? पाकिस्तान पोस्ट ने सोबिया इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर सर्विस शुरू किया है. इनका मकसद पीछे ये है कि इसको जो इलेक्ट्रॉनिक जो मनी ट्रांसफर है इसको ये और स्पीड अप कर सके. और दूसरी बात ये है कि जो सर्विस है ये दैट विल बी इंटरलिंक्ड विद इंटरनेट. दैट्स गुड. ओके. PTA is no far. PTA is forming committee to systemize mobile subscribing data. आपको पता है ना सोबिया, मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी होती है कि और आपको बहुत ज़रूरी होता है कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करें. Exactly. तो इन्होंने भी एक पीटीए ने भी एक जो है कमेटी फॉर्म की है जो कि चार मेंबर्स पे मुश्तमिल है. और इस पे इनका मकसद पीछे ये है कि इन्होंने जो अपने कंट्रोल करना है अनऑथराइज्ड सिम्स पे. That's good. Besides, it's really needed at the government level that things become more organized. There is a system to everything and everything happens more fairly. बिल्कुल. आपको पता है जिस तरह ईद पे कितना मसला हो गया था, all the cell phones, everything shut off. प्रीपेड सर्विसेज खिलाफ हो गए थे. तो इसी तरह इसी को मेरे ख्याल में फॉलो अप के तौर पर इन्होंने इस तरह शुरू करने का सोचा है कि अनऑथराइज सिम्स को आप बिल्कुल कंट्रोल कर सकें. True. That's good. With that, we got something very interesting for all the listeners this time, that Google is making millions of dollars through Pakistan. Information के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है कि Google जो है अपना advertising business mainly जो है वो Pakistan से generate कर रहा है, और it is earning more than above $500 million from Pakistan. And that's just this year. Imagine how it's going to actually increase with the coming years. With that, we'll touch little bit upon iPhone 5, which is lighter, thinner, and faster for this time. और ये बता रहे हैं कि इनके जो पुराना डिवाइस है ये उससे काफी सिमिलर है. तो जो लोग काफी देर से इसका इंतजार कर रहे थे वो थोड़े से जो हैं, they are disappointed. PTA bans YouTube's anti-Islamic film. बिल्कुल. सो भी आपने सुना होगा कि पहले अफगानिस्तान ने YouTube को बैन किया अपनी कंट्री से, और लोगों को मना किया कि वो YouTube इस्तेमाल ना करें क्योंकि इट वाज शोइंग द एंटी इस्लामिक मूवी. इसी तरह अब उसको फॉलो अप में पाकिस्तान ने भी पीटीए ने भी ये एक्शन लिया है, और उन्होंने कहा है कि हम YouTube बंद कर देंगे. और इसी तरह जो प्रोटेस्ट है वो ऑल अराउंड द इस्लामिक वर्ल्ड भी चल रहा है इन कंट्रीज लाइक इजिप्ट एंड एज वेल एज अफगानिस्तान एंड लिबिया. Okay, all right. With that, we log off for today. For more news, log on to www.ciopakistan.com. With that, the team of ePanorama is signing out.